नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका। सांची फुल क्रीम दूध गोल्ड के दाम 4 रुपए लीटर बढ़े, तो वहीं सांची स्टैंडर्ड दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। अब 48 की जगह 21 मार्च से नई कीमत पर मिलेगा सांची दूध। आपको बता दें अब 48 की जगह 53 रुपए में मिलेगा सांची चा दूध। बड़ी जानकारी यहां पर भोपाल से सामने है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 21 मार्च से नई कीमत पर मिलेगा दूध। भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। सांची फुल क्रीम दूध गोल्ड के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, तो वहीं सांची स्टैंडर्ड दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। आपको बता दें 48 की जगह 53 रुपए में मिलेगा सांची चा दूध। 21 मार्च से नई कीमत पर मिलेगा सांची दूध। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। बढ़ती महंगाई में अब एक और झटका। आपको बता दें दूध की कीमत भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सांची फुल क्रीम दूध गोल्ड के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, तो वहीं सांची स्टैंडर्ड दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। बता दें अब 48 की जगह 53 में मिलेगा सांची दूध। 21 मार्च से नई कीमत पर मिलेगा सांची दूध। बड़ी जानकारी यहां पर आपके सामने भोपाल से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के बीच अब एक और झटका प्रदेश की जनता को। सांची दूध के दाम अब बढ़ गए हैं। आपको बता दें फुल क्रीम के 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, तो वहीं स्टैंडर्ड के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। अब 48 की जगह 53 रुपए का मिलेगा सांची दूध। 21 तारीख से नए कीमत पर मिलेगा ये दूध। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने। बढ़ती महंगाई में अब प्रदेश की जनता के लिए एक और झटका। सांची दूध के दाम यहां पर बढ़ गए हैं। आपको बता दें फुल क्रीम दूध के 4 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े, तो वहीं स्टैंडर्ड के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें रायसेन से हमारे संवाददाता जी गोल जुड़ चुके हैं, तो वहीं ग्वालियर से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपका रुख करना चाहेंगे पहले, बढ़ती महंगाई के बीच अब प्रदेश की जनता के लिए एक और झटका, किस तरह से देख रही है जनता इसको? प्रति लीटर बढ़ा दिए थे, लेकिन ग्वालियर में जो सांची दूध के दाम जो प्रदेश में बढ़े हैं, सीधे 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है प्रति किलो पर। ग्वालियर में इससे पहले 54 रुपए में दूध जो 1 किलो सांची का मिलता था, जो कि अब 58 रुपए का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो मार है वो लोगों पर पड़ी है। बच्चों का दूध है, चाय के लिए दूध है, रोज सुबह। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है दूध का, जो कि सुबह सुबह उनकी शुरू होती है दूध से, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो सांची के जो संचालक है, सांची के जो दुकानदार है, जो ऑपरेटर है, वो कहीं ना कहीं इससे परेशानी में है, क्योंकि इससे पहले भी सांची का दूध ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, 54 रुपए का प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि 58 रुपए हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको उनकी बिक्री में यहाँ पर जो है असर पड़ेगा। वहीं लोकल डेयरी संचालक है, वो 45 से 50 रुपए की बीच में दूध दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैक दूध है उसको पर जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा जनता को। तो इसके हालांकि जो सांची प्रबंधन की यदि बात कर ले, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डीजल लगातार बढ़ रहा था, पशु आहार महंगा हुआ है, परिवहन व्यवस्था महंगी हुई है, तो इन तीनों चीजों के चलते जो है इसके दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। काफी समय से इसके दूध के दाम बढ़ाए नहीं गए थे, लेकिन अब चूंकि जो है चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, वहीं डीजल के दाम में भी इजाफा होने वाला है। अभी हालांकि पिछले 2 महीने से इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है अमूल के दूध के दाम बढ़ने के बाद जो है सांची ने अपने दूध के
दाम बढ़ा दिए हैं सीधे 4 रुपए से, 4 रुपए से ज्यादा करते हैं। वहीं मैं बता दूं आपको कि सांची में अपने घी, घी जो देता है सांची, घी के दाम भी 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दूध और घी में जो इजाफा, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जी जी बिल्कुल संजय, बने रहे आप हमारे साथ। अजय आपका रुख करना चाहेंगे, रायसेन की अगर बात कर ले तो वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से रिस्पांस लोगों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ा झटका है ये लोगों के लिए। दूध के दाम यहाँ पर बढ़े हैं, उसका असर बाकी चीजों पर भी नजर आने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सांची दूध के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। हालांकि अगर लीटर की बात करते हैं तो लीटर में 5 रुपए की वृद्धि हुई है, और किलो की जो बात करते हैं तो वो जो 52 रुपए किलो मिलता था अब वो 48 रुपए से 52 होना था, लेकिन अब वो 53 रुपए किलो हो गया है। हम रायसेन में सांची दूध के एक सेंटर पे मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सांची के दूध बेचते थे वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दुकान पर ये दूध है, ये ग्राहक जो है ये दुकान पे दूध खरीदने आए हुए हैं। भाई ये दुकान फटकर में बेचते थे, उसके लिए दूध यहाँ पर वापस करने आए हैं। आइए हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? कुशाल सर। कुशाल जी, आप जो दूध बेचने जाते हैं और ठेरी लगा के आज आप वापस कर रहे हैं, क्या कारण है? महंगाई के चक्कर। नहीं बिक रहा दूध? क्यों दूध नहीं बिक रहा? महंगा है ना चक्कर। 4 रुपए की इकट्ठी वृद्धि हुई है, इस कारण हमारा ग्राहक मना था, इस कारण दुकानदार भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मुनीर जी, क्या दूध वापस आ रहा है, बिक नहीं रहा, क्या फर्क पड़ रहा है? 4 रुपए लीटर एकदम बड़ा है, 5 रुपए लीटर वाले तक पड़ रहा है, 53 हो गया, दिक्कत तो हो रही है। आम जनता वैसे ही महंगाई की मार से परेशान थी, आप दुकान वालों के पे अपनी इस दुकानदारी से कितना फर्क पड़ रहा है? चलिए हमारे साथ एक और ग्राहक मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहन राय। मोहन जी, आप दूध लेने आए थे, क्या महंगाई 4 रुपए लीटर बढ़ा है? बहुत हो गई साहब, और प्रिंट रेट कम आ रहा है, दुकानदार महंगा बेच रहा था, हमें दिक्कत हो रही है। नहीं 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 नहीं, दुकानदार ने महंगा बेच रहा था, हमें दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, दुकानदार ने पहले ही बताया कि जो बढ़ती हुई कीमत है वो कल से लागू होगी, आज से नहीं होगी। तो ये आपको आज तो पुरानी रेट पर मिलेगा, प्रिंट रेट तो उनसे कम का आ रहा है ना, इसलिए, और रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, उपभोक्ताओं को दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट की पन्नी पुरानी चल रही है और वो नया रेट में भेज रहे हैं। नहीं तो अब जो बढ़ता हुआ रेट है वो कल से लागू होगा, तो कल से आपको सही रेट मिलेगा। बहुत दिक्कत आएगी ना, 4 रुपए लीटर एकदम बहुत महंगा पड़ेगा। कल भी रेट नहीं, वो चेंज हो रहा है। आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूध खरीद के ले जा रहे हैं घर पे, कितना ले जा रहे हैं? अरे सर, आप 1 किलो ले रहे हैं, 12 किलो लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो चाहे आम जनता हो, सबकी दुकानदारी पे फर्क पड़ा है। वहीं बढ़ते हुए दूध के दामों ने एक बार फिर आम जनता को कमर तोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनकी कमर टूटती नजर आ रही। वहीं रायसेन में एक कहावत चलती थी पहले कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो अब लोग कह रहे हैं कि आमदनी 54 और खर्चा 2 रुपया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी दर बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों के पास आय तो है नहीं, आय के साधन तो है नहीं ज्यादा, लेकिन दूध के साथ ही दूध के एकदम 5 रुपए और 4 रुपए लीटर की जो वृद्धि हुई है, इससे आम जनता, क्योंकि दूध प्रतिदिन हर घर में लगने वाला एक ऐसा सामान है जिसमें बच्चों को भी दूध की जरूरत पड़ती है, घर में चाय के लिए, रसोई के लिए भी दूध की जरूरत पड़ती है, कोई भी पकवान बनाना हो तो दूध की आवश्यकता अधिकतर पड़ती है। लेकिन 5 रुपए और 4 रुपए लीटर की वृद्धि ने कहीं ना कहीं आयुषी सबकी कमर तोड़कर रख दी है, और बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान आ रहे हैं। वहीं अगर बात पूरे ऑल ओवर महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई कोरोना काल में आम जनता की कमर सी टूट गई थी, उसके बाद भी लगातार वृद्धि होती जा रही है, लोगों के काम धंधे चौपट होते गए थे कोरोना काल में, लेकिन अब देश थोड़ा सा उठने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता की कमर टूटती जा रही है, और मध्यम वर्ग का जो परिवार है और जो गरीब परिवार है, तबके का लोग है जो फेरी से दूध लेता था, आज वो भी दूध नहीं ले रहा है। लोग फेरी वाले जो दूध बेचते थे, जिनका अगर 50 लीटर दूध बिकता था तो वो आज 30 लीटर दूध बेचकर लाए और 20 लीटर दूध वापस कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सांची गोल्ड ने लगातार एक साथ, हालांकि कई दिनों बाद उन्होंने रेट बढ़ाए, लेकिन 4 रुपए और 5 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो काफी बड़ी वृद्धि है, इसके कारण आम जनता भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान आई थी। बिल्कुल जी, अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।